देखिए, जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपको ऐसा एक वॉलपेपर दिखाई देता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये वॉलपेपर कौन से देश का है, ये फ़ोटो कौन किसने खींची है, ऐसी और इमेजें ऐसी मतलब जैसे ये वॉलपेपर ऐसी इमेज में और कहाँ और देखनी है तो ये कैसे देखते हैं, तो पहले आप जो आपका इंटरनेट है उसको कनेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इंटरनेट कनेक्ट करेंगे आपको यहाँ तीन ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे। पहला ऑप्शन लाइक का है, आप पिक्चर लाइक कर सकते हैं और जिस भी बंदे ने पिक्चर क्लिक की उसका नाम आपको दिखाई देगा साइड में। दूसरा ऑप्शन है अगर हम ऐसी और पिक्चर देखना चाहते हैं तो इस दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीसरा ऑप्शन पे अब जब हम क्लिक करेंगे तो ये इस पिक्चर के बारे में बताएगा जो बीच वाला है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे आपका कंप्यूटर पासवर्ड पूछेगा, आप पासवर्ड टाइप कर लीजिए और ये डायरेक्ट आपको उस वेबसाइट पर ले जाएगा उस पिक्चर के बारे में जहाँ पर ये खींची हुई है। देखिए, हमने जैसे पासपोर्ट टाइप किया डायरेक्ट ब्राउज़र ओपन हो गया है और इस पिक्चर के बारे में डिटेल बता रहा है कि ये पेरू देश की फ़ोटो है और इस बारे में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन बता रहा है। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसा वाल पे मतलब विंडोज स्पॉट लाइट दिखाई नहीं देता है तो इसकी सेटिंग कैसे करते हैं ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, आप माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिए और पर्सनल लाइजेंस में जाइए। ठीक है, पर्सनल लाइजेंस में जाने बाद आप लॉक स्क्रीन में क्लिक कीजिए। देखिए, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में तीन ऑप्शन आते हैं, स्लाइड शो, पिक्चर और विंडोज स्टॉप लाइट। तो अगर आपने विंडोज स्टॉप लाइट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके हर रोज इमेज बदलेगी और पिक्चर पे सेलेक्ट करेंगे तो वो रोज नहीं बदलेगी, जो आपका कंप्यूटर पिक्चर वही दिखेगी। और स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ये आपके जो अब मतलब बदलती रहेगी वो पिक्चर है जब भी ऑन करेंगे। तो हमको जो विंडोज स्टॉप लाइट वो ऑप्शन ऑन करना है, हर रोज इंटरनेट से जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक पिक्चर चेंज होगी। अगर आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।